जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछला वीडियो बनाया था उसमें आपको टर्म्स और कंडीशन बता दी थी कि ज्वाइनिंग लेटर में जो टर्म्स और कंडीशन क्या क्या आती है, क्या क्या कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ती है और क्या क्या लिखा हुआ था ज्वाइनिंग लेटर में। और आज इस वाला जो वीडियो है अभी वाला, इसमें मैं आपको बताऊँगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर टोटल 10 डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं, तो 10 के 10 डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए ये आप देख सकते हो। इसमें 10 डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं, ये प्रूफ भी है, ये मेरा ज्वाइनिंग लेटर है। तो क्या क्या मतलब डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, ये मेरा ज्वाइनिंग लेटर के हिसाब से इस बार कुछ और भी ऐड हो सकता है, तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि आप जब ज्वाइनिंग लेटर आ जाए उसके बाद ही डॉक्यूमेंट्स बनाएं। साथ ही बता दूं दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और SSGD आर्मी पुलिस या किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको इससे संबंधित मैं बहुत सारी जानकारियाँ, फिजिकल एक्टिविटी के वीडियो बनाता रहता हूँ। या SSGD में सबसे बेस्ट चॉइस कौन सी है आपके लिए, कौन सी सबसे बेटर है, CSF, CRPF और BSF, इनके बारे में स्पेशल मैंने वीडियो बना रखे हैं। इनके ड्यूटीज़ के बारे में, क्या क्या इनकी ड्यूटी है, क्या क्या सुविधाएं हैं, तो आप जाके नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, देख सकते हो। और अगर किसी को पर्सनली मेरे से बात करने हो तो आप इंस्टाग्राम पे आ जाइए, मैं नीचे लिंक देता हूँ इंस्टाग्राम का, वहाँ पर आके आप हमसे मतलब मेरे से पर्सनली बात कर सकते हो दोस्तों। साथ में ये वीडियो बहुत ही मेहनत करके मैं आपके लिए लेके आया हूँ मेरे ज्वाइनिंग लेटर, क्योंकि आपको बहुत सारी अफवाहें मिल रही है गलत कि डॉक्यूमेंट्स आपको लोग बता रहे हैं कुछ भी, मतलब वो लेके जाना आप सोच रहे हो, आप परेशान हो रहे हो। तो आज मैं आपको डाउट भी क्लियर कर दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज्वाइनिंग लेटर में लिखे हुए आते हैं, ये मतलब कंपलसरी होने ही चाहिए और इसमें क्या क्या गलत नहीं होना चाहिए, इसके बारे में मैंने टर्म्स एंड कंडीशन का जो वीडियो बना रखा है उसका लिंक भी नीचे दूंगा कि क्या क्या टर्म्स और कंडीशन होती है ज्वाइनिंग के टाइम ज्वाइनिंग लेटर में, तो उसका वीडियो भी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप जाके देख सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं, ये देखो सबसे पहले लिखा हुआ आता है जो नंबर 4 इसका है, इसमें लिखा होता है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं। तो इसमें सबसे पहला इफ़ यू एक्सेप्ट द ऑफर अपॉइंटमेंट, यानी आप एक जो ये ऑफर है ये स्वीकार करते हो, मतलब टर्म्स एंड कंडीशन जो मैंने पिछले वीडियो में बताई है उसके अनुसार, तो यू शुड रिपोर्ट डेट, यानी आप किस डेट को रिपोर्ट करना है, द DIG ग्रुप जो सेंटर है आपका जहाँ आएगा वहाँ पर, और नीचे डेट लिखी हुई आएगी, जैसे मैंने बताया रखा कि मेरी ज्वाइनिंग कब हुई थी, ये तब का ही है अगर आपको दिख रहा है तो 21 मार्च 2017 का है, मेरी 21 मार्च को ज्वाइनिंग हुई थी दोस्तों, तब का है। तो अब आपको क्या क्या मतलब विथ ओरिजिनल कॉफ़ी, मतलब क्या क्या ओरिजिनल कॉफ़ी आपको लेके आनी है इसके बारे में, तो सबसे पहले लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ, पहला लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ इशूड बाय द रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, यानी जो आपसे स्कूल से कोई डेट ऑफ बर्थ है जिससे आपकी डेट ऑफ बर्थ फिक्स हो, जैसे किसी आपकी 10th क्लास की मार्कशीट में भी है या आपको जन्म प्रमाण पत्र है तो वो भी आप लेके जा सकते हो, मतलब इशूड बाय रिकॉग्नाइज्ड स्कूल या डिग्री एजुकेशन या कहीं से भी एजुकेशन डिपार्टमेंट से जो आपका डेट ऑफ बर्थ मिलता है वो, यानी आपका मतलब जन्म प्रमाण पत्र है तो वो, नहीं तो अगर आपने जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाया है तो बना सकते हो तो बना लीजिए, डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको ये लेके जाना है दोस्तों। दूसरा है इंटरमीडिएट डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट ऑफ एनी अदर टेक्निकल क्वालिफाई सर्टिफिकेट इफ़ अवेलेबल, मतलब आपको डिग्री या इंटरमीडिएट मतलब 10th क्लास की जो मार्कशीट है वो तो आपको कंपलसरी लेके जानी है। अब इसके अलावा अगर आप चाहो तो डिग्री भी लगा सकते हो वहाँ पर, और अगर आपने जैसे पॉलिटेक्निक ITI या कुछ किया है तो यह इफ़ एलिजिबल, मतलब अगर आपकी इच्छा हो तो आप ये इसमें लगा सकते हो, आपकी इच्छा ना हो तो आप ना भी लगा सकते हो। तो मेरे ख्याल से आप ओरिजिनल तो ये नहीं लगाना, क्योंकि आप और भी कई एग्जामों के लिए ओरिजिनल ये चाहिए सकते हैं, तो आप इसमें 10th क्लास से पास हो तो 10th क्लास की मार्कशीट लगा देना दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा 12th की लगा देना, तो वो आप ओरिजिनल लगा सकते हो, क्योंकि फिर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को जब वापस निकलाते हो डिपार्टमेंट से, दूसरा डिपार्टमेंट के लिए एग्जाम जब आप देते हो और वहाँ पर जब ओरिजिनल सर्टिफिकेट मांगते हैं तो थोड़ी सी परेशानी आती है डिपार्टमेंट से, क्योंकि ये 2 साल से पहले आप नहीं निकला सकते। हाँ, ऐसा केस अगर आपका कहीं अपग्रेड में सिलेक्शन हो जाता है तो ही निकला सकते हो, तो उसमें थोड़ा सा परेशानी आती है। तीसरा जो रूल है कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस इशूड बाय द, अगर आप OBC SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो या आपके पास में कोई भी मतलब कास्ट वाला जो सर्टिफिकेट से बिलोंग करते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का वो सर्टिफिकेट होना चाहिए विद डिमिशियल सर्टिफिकेट, मतलब ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास में कास्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए दोस्तों। तो तीसरा डॉक्यूमेंट हो गया, पहला वापस बता दूँ एक बार, पहला जन्म प्रमाण पत्र के लिए प्रूफ होना चाहिए, जो भी आपको एजुकेशन से कहीं से भी मिला हो या किसी स्कूल से मिला हो जन्म प्रमाण पत्र का होना चाहिए। दूसरा आपकी डिग्री मतलब 10th क्लास की तो आपको कंपलसरी है, उसके अलावा आप अगर ITI किए हो पॉलिटेक्निक किए हो आपकी इच्छा लगा सकते हो या डिग्री, मार्कशीट हो गया। तीसरा कास्ट सर्टिफिकेट जिस कास्ट का आप सर्टिफिकेट हो। चौथा
नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट प्रीवियस एम्प्लॉय। अगर आप पहले किसी में जॉब करते थे किसी गवर्नमेंट सर्विस में, तो वहाँ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, यानी वहाँ से जो डिस्चार्ज हुए थे वो सर्टिफिकेट, मतलब ये आवश्यक है ही है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें अगला जो पॉइंट पाँचवा, जो जॉब करते हैं उनके लिए, जो नहीं करते हैं उनके लिए नहीं है दोस्तों, ठीक है। जिन्होंने कहीं जॉब नहीं करते या प्राइवेट जॉब करते हैं उनके लिए ये रूल लागू नहीं है। अगला है प्री वेरिफिकेशन फॉर द विद ओपर द अपॉइंटमेंट बी फिल्ड अप प्रॉपरली एंड गोट अटेस्टेड बाय द अथॉराइज्ड एज द मेंशन ऑफ द फॉरम। यानी आपको जो पुलिस वेरिफिकेशन जो आप करवाते हो, पुलिस वेरिफिकेशन वाला, वो लेके आना है साथ में, पुलिस वेरिफिकेशन का जो आपके फॉरम इसके साथ में अटैचमेंट आएगा, यानी आपके साथ में अटैचमेंट आएगा फॉरम में, वो पुलिस वेरिफिकेशन उस पर करवानी है। और एक तहसीलदार एसडीएम से होती है, तो वो वेरिफिकेशन भी आपको करवा के लेके आनी है दोस्तों। ये पांचवा पॉइंट है, ठीक है। इसके साथ में आएगा, अगर आप ऑनलाइन निकलेगा तो ऑनलाइन निकलेगा, नहीं तो आपको बता दिया जाएगा कि कौन सा फॉरम है वो, ज्वाइनिंग लेटर में लिखा हुआ आता है दोस्तों। तो ये पांचवा रूल हो गया, जो पुलिस वेरिफिकेशन और एसडीएम से जो चरित्र प्रमाण पत्र जो बनता है उसकी बात है ये, वो एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, उसी की बात है। पांचवा पॉइंट वो कि वो आपके पास में होना चाहिए, अटेस्टेड, ओरिजिनल अटेस्टेड होना चाहिए, फोटोकॉपी नहीं है, सभी ओरिजिनल कॉपियां चाहिए, याद रखना। अगला है 10th कॉपीज ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यानी आपकी 10th यानी 10 पासपोर्ट साइज़ की फोटोकॉपी होनी चाहिए, जो पासपोर्ट साइज़ होती है वो 10 फोटोकॉपी आपके पास में, आपकी मतलब फ़ोटो होनी चाहिए 10 रिसेंटली, यानी उसी समय की, ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। पासबुक एंड चेकबुक ऑफ द सेविंग अकाउंट ओपन बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब हमारे टाइम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था, अब पता नहीं अगर चेंज कर दे तो, इसलिए आप पहले अकाउंट वाला रहने दे, इसकी आपको पासबुक और चेकबुक होना चाहिए आपके पास में, ध्यान रखना, पासबुक और चेकबुक होनी चाहिए। ये हमारे टाइम में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का था, लेकिन इस बार पता नहीं आपके कौन सी बैंक का दे दे, इसलिए अभी आप बैंक अकाउंट, ऐसा नहीं कि मेरा मैंने बता दिया आप स्टेट बैंक इंडिया में चले गए अकाउंट खोल लिया, ऐसा नहीं, आपको टाइम मिलेगा 20 से 25 दिन, उस समय ही करना है। अगर आपका पहले से है तो कोई बात नहीं, वो रखना साथ में। हाँ, इसके साथ में आपका ATM कार्ड भी होना चाहिए, इसमें लिखा हुआ है ATM कार्ड भी इसलिए होना चाहिए ताकि विड्रॉल करने की कोई समस्या नहीं आई, ATM फैसिलिटी विड्रॉल। ए सम ऑफ 4,000 रुपीज़, यानी 4,000 रुपये आपके डिपॉजिट मैश एडवांस, यानी 4,000 रुपये जो आपको मैश एडवांस डिपॉजिट होता है, देखो स्पेशली लिखा हुआ है इसमें 4,000 रुपये, मैं आपको दिखा दूँ, अगर आप पढ़ पा रहे हो तो 4,000 रुपये मतलब आपको 4,000 रुपये जमा करने के लिए वहाँ मैश एडवांस जमा होगा, वो आपको लेके जाने। इसीलिए मैं आपको पहले भी वीडियो बनाया उसमें मैंने बताया है कि कम से कम आप 6-7-8 हज़ार रुपये अपने पास लेके जाएं, तो अगर 8 से 10 हज़ार रुपये आप मेरे कहने मतलब साथ लेके जाएं, क्योंकि 4,000 आपके वहाँ जमा हो जाते हैं मैश कटिंग के रूप में दोस्तों, एडवांस जमा होते हैं, वो सभी के होते हैं, हमारे भी हुए थे और वो पूरी सर्विस ही जमा रहते हैं। तो ये बता दिया, लाइट बेडिंग एंड क्लोथिंग एज पर योर यूज, जैसे मैंने बताया आपको दरी कंबल एक छोटा मोटा, मतलब लाइट बेडिंग लेना ही है, क्योंकि आपको वहाँ जाते ही सामान नहीं मिल जाएगा, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो क्या क्या सामान लेना है इसका भी मैंने वीडियो बनाया है, तो वो जाके आप देख सकते हो नीचे, तो ये लेना है। इसके अलावा पैन कार्ड और आधार कार्ड, तो ये पैन कार्ड और आधार कार्ड भी आपको लेना। अब कई लोग मेरे से पूछते हैं सर फादर मदर उनके भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ज्वाइनिंग लेटर में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपके फादर का या मदर का कोई भी डॉक्यूमेंट्स लेके आओ दोस्तों, लेकिन हाँ उनकी जन्म डेटें लगती है, उनकी डेट ऑफ बर्थ आपको मालूम होनी चाहिए, वो कितने ईयर के हैं कितने ईयर के नहीं है। बाकी ज्वाइनिंग लेटर में ऐसा कहीं पे भी कोई भी रूल नहीं है, कहीं पे भी ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप अपने मदर फादर का कोई भी प्रूफ लेके आओ। अब तो इससे संबंधित कि आपके मदर फादर का कोई भी मतलब डॉक्यूमेंट्स लगेगा दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है कि उनका कोई भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट आप लेके आओ, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन आपको उनका डेट ऑफ बर्थ ये होना चाहिए ताकि वहाँ फॉर्म भरते हुए नॉमिनी फॉर्म भरते हुए आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। तो ये आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है दोस्तों। अब बताइए आपको कैसी लगी जानकारी, अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक होना चाहिए, और मेरे से पर्सनली बात करने के लिए आप इंस्टाग्राम का यूज़ कर सकते हो, और जिस जो बंदे नए हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों। जय हिंद।